अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अफाक आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंफर्ट को। तो आज हम बताने जा रहे हैं मल्टीमीटर के बारे में, जिसे टॉन्ग टेस्टर के भी नाम से जाना जाता है और बहुत सारा उसमें फंक्शन होता है। तो आइए उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसमें क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लैम मीटर बोलते हैं टॉन्ग टेस्टर को, इसको बहुत सारा नाम से जाना जाता है। क्लैम मीटर भी बोलते हैं, टॉन्ग टेस्टर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ओम्स मीटर भी बोलते हैं, मेगा मीटर भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम से जाना जाता है और मल्टी मीटर भी बोलते हैं। ये जो दो तार है इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं, इसका जो दो तार है प्रोब, ठीक है। इसी दो तार से हम लोग अगर किसी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना है या ओम्स चेक करना है तो इसमें चेक करेंगे। जैसे कि कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालना है तो इसी से चेक करके ये दोनों तार से हम लोग कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करेंगे ओम्स। और इसी तरह ये कंटिन्यूटी में आ जाइए, कोई सामान ख़राब है, कोई पार्ट्स ख़राब है, अच्छा है नहीं है, तार अच्छा है ख़राब है, उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग, अच्छा है कि ख़राब। उसके बाद इसी कंटिन्यूटी में हम लोग कंप्रेसर का टर्मिनल का ग्राउंड चेक करते हैं, या अदरवाइज़ मोटर का या किसी भी चीज़ का ग्राउंड चेक किया जाता है, एक बॉडी में एक टर्मिनल में लगा के, ठीक है, या एक तार में एक बॉडी में लगा के मोटर का ग्राउंड चेक किया जाता है। उसी तरह ये आ जाइए, ये डीसी वोल्ट है, 600 तक वोल्ट। डीसी बोले तो पीसीबी, माइक्रो प्रोसेसर या पीसीबी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डीसी वोल्ट होता है, ट्रांसफार्मर में इनपुट 220 करता है, आउटपुट 20 40 50 60 80 जैसा रहता है, ये उस डीसी लाइन चेक होता है इसमें, ठीक है। इसमें आ जाइए, एसी है, ये जो सिंबल है इस टाइप का, ऐसा एस टाइप का, ये 600 वोल्ट दिखा रहा है, ये एसी वोल्टेज, एसी माने आपका अल्टरनेटिव करंट, ये जो 220 सप्लाई आता है ये हम लोग इसमें चेक करते हैं, ये इसी प्रोब से चेक होगा, ठीक है। आगे आ जाइए एम्पियर, एम्प्स 400 एम्पियर, माने एक से लेके 400 एम्पियर तक का कंप्रेसर मोटर का एम्पियर हम लोग देख सकते हैं। इसमें इसका प्रोब का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको ये गियर को ओपन करना है और किसी तार को इसके अंदर डाल देना है, चाहे वो न्यूट्रल हो या फेज हो, फिर वो यहाँ पर ही एम्पियर शो करने लगेगा कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। उसी तरह ऐसे हम लोग एसी को जो हम लोग चेक करते हैं एम्पियर, वो 1 से 200 के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग को 400 उतना एम्पियर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तो ये 200 में चेक करते हैं। ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर। अब उससे भी कम एम्पियर, मान लीजिए 20 तक का कोई चीज़ को हमको चेक करना है, फ्रीज वगैरह है 20 एम्पियर के अंदर आता है, एसी भी 20 एम्पियर के अंदर आता है, इसमें भी एसी चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों एम्पियर हो गया, ये वोल्टेज हो गया एसी, ये डीसी, ये कंटिन्यूटी, ये ओम्स, ठीक है। अब ये होल्ड है, मान लीजिए आप कहीं ऊपर चढ़े हुए, कस्टमर बोलता है हमको एम्पियर दिखाइए, वोल्टेज दिखाइए, तो मान लीजिए ये कोई डिजिट भागा, आप इसको दबा दीजिए, होल्ड हो जाएगा। होल्ड करके आप नीचे ला के कस्टमर को ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये भागा, आप इसको रोक दिए, नीचे ला के दिखाइए कस्टमर को, देखिए इतना आपका एम्पियर ले रहा है, ये होल्ड, होल्ड एंड ऑफ, ठीक है। ये तो हो गया ये क्लैम मीटर। अब आइए दूसरा क्लैम मीटर के बारे आप लोगों को बताते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है और इसमें फंक्शन ज़्यादा है, अरे परफेक्ट बतलाता है। इसका ये दो प्रोब हो गया, इसका प्रोब दो है, लेकिन इसमें जो इसका जो सिस्टम है इसमें तीन जगह प्रोब डालने का जगह बनाया गया है। ओम्स के लिए अलग है प्रोब डालने का, कॉमन एक तार हमेशा कॉमन में ही रहेगा, और वोल्टेज के लिए अलग डालने का जगह बनाया गया है, ठीक है। सब अलग अलग ग्रिप है तीनों, ये प्रोब हो गया। अब आइए हम लोग इसको ऑफ से ऑन करते हैं। ये आपका 600 एम्पियर तक देखने का है, माने एक से लेके 600 एम्पियर तक का जो कंप्रेसर मोटर एम्पियर लेता है ये, उसको देखने के लिए। उसी तरह ये एक से लेके 400 तक का एम्पियर देखने के लिए, माने इसमें एसी का देख सकते हैं। उसी तरह इसमें कंटिन्यूटी ओम्स दोनों ओब्लिक दिया हुआ ना, ओब्लिक दिया हुआ, इसको ओब्लिक बोलते हैं बीच वाला को, ठीक है। ये ओब्लिक में अब जब हम आपको एम्पियर जब देखेंगे, तो ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ये तार एक यहाँ से जाएगा एसी का, न्यूट्रल या फेज, बाकी यहाँ पर ये शो करने लगेगा एम्पियर, चाहे वो इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक है। और ये अब आइए कंटिन्यूटी या ओम्स, तो अब इसके लिए हमको यहाँ प्रोब का एक तार को बदलना होगा, अगर इसी में देखेंगे तो क्लैम मीटर उड़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आगे बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है। अगर इसमें रखा हुआ है और आप गलती से कंटिन्यूटी चेक करें, नहीं बतला रहा, बोलेंगे कंटिन्यूटी बतला नहीं रहा है, तो आप इस प्रोब को यहाँ से निकाल के यहाँ डालना होगा, क्योंकि यहाँ सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दे दिए। अब किसी चीज़ का आपको ये देखना है कंटिन्यूटी है
तो यहाँ पर ऐसे इसको लगाना होगा, ठीक है, ऐसे भागेगा, क्लियर है। अब ओम्स भी देखना है कंप्रेसर का टर्मिनल का, तो ये यहाँ से ऐसे बतलाएगा, ये देखिए मीटर पर देखिएगा, देखिए बतलाएगा, ठीक है, बतला रहा है ना। तो अब आइए वोल्टेज में, ये मतलब थोड़ा सा गलती करता है यहाँ पर, लड़का लोग हमेशा कैलोमीटर चला देता है। ये रखा हुआ है इसमें आपका प्रोब ओम्स में, माने ओम्स बटा कंटिन्यूटी दोनों में रखा हुआ है, और इसी में वोल्टेज को करके डायरेक्ट 220 सप्लाई में एसी करंट में घुसा देता है, जिससे कैलोमीटर उड़ जाता है। जबकि हमको जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो उसको यहाँ डाले, जब वोल्टेज चेक करेंगे तो फिर इस प्रोब को यहाँ से निकाल के ये वोल्टेज वाला में ग्रिप में डालेंगे, तब हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसी में अगर डाला बार इसी में हम चेक करेंगे तो उड़ जाएगा कैलोमीटर। इसमें भी होल्ड का फंडा है, अगर आपको किसी को बताना है कि क्या है, नहीं ये होल्ड दबा दीजिए, ठीक है, ये होल्ड दबा दीजिए, ये होल्ड दबा दीजिएगा तो आ जाएगा, यहाँ दिखाएगा, शो करेगा कोई भी चीज़। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर आपको होल्ड हम दिखाते हैं इसका, अभी तो हम वोल्टेज वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं, हम इसी में से आपको होल्ड करके दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, होल्ड दबा दीजिए, देखिए होल्ड हो गया। अब किसी कस्टमर को आप दिखा सकते हैं, चाहे वो एम्पियर हो चाहे वोल्ट हो, ये दोनों को आप चेक करके दिखा सकते हैं। कैलोमीटर का पूरा फंडा क्लियर हो गया फंक्शन सबको। चलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करने का है, खास करके मल्टी वाला में, मल्टी प्रोब में ध्यान से यूज़ करने का। अगर जहाँ हड़बड़ में आप गड़बड़ कर दिए, वोल्टेज ओम्स में रख के, ओम्स में रख करके आप वोल्टेज वाला में देख रहे हैं, तो जल जाएगा। नहीं, जिसमें ऐसा फंक्शन उसमें ध्यान रखना।